हाय गाइस, अगर आप भी गोवा जाने का मन बना रहे हैं तो कुछ सावधानियां गोवा जाने से पहले जान लें ताकि आप कोई मुश्किल में ना पड़े। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट लगातार मिलता रहे। भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों का भी आज गोवा पहली पसंद बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोवा भ्रमण के दौरान कौन सी 5 गलतियां ना करें ताकि आप कोई भी मुश्किल में ना पड़े। तो नंबर 5, अगर आप गोवा ट्रिप पे हैं तो ध्यान रहे आपके यहाँ कचरा नहीं फेंकना। गोवा में बीचेस, सुंदर प्राचीन किले, शानदार रिजोर्ट के लिए पसंद किया जाता है। अगर आप इस तरह की गंदगी फैलाएंगे तो यहाँ की सुंदरता को अवैध नुकसान पहुँच सकता है और साथ ही आप पर फाइन भी लग सकता है। नंबर 4, गोवा जैसी खूबसूरत जगह को हर व्यक्ति अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, लेकिन कई लोग अपने कैमरे में अनजान लोगों को बिना इजाजत के फोटो खींच लेते हैं। बिना किसी की अनुमति के बिना किसी भी तस्वीर लेना आक्रामक और अवैध हो सकता है। अगर आपको किसी व्यक्ति की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करना है तो आप सबसे पहले उससे परमिशन अवश्य लें। नंबर 3, गोवा बीचेस के लिए बेहद फेमस है और यहाँ पर छोटे कपड़े पहनना काफ़ी आम बात है। जब कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति गोवा में घूमने आता है तो बीचेस पर बैठे छोटे कपड़ों में लड़कियों को घूरना शुरू कर देता है और आपके देखने का तरीका सामने वाले व्यक्ति को असहज महसूस करा सकता है। क्या पता शायद आप इस व्यवहार पर आपको आपत्ति जता दे और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। नंबर 2, दुनिया में कई ऐसे भी बीचेस हैं जहाँ पर टॉपलेस होकर घूमना सामान्य बात है, लेकिन भारत में इसकी अनुमति नहीं है। भले ही गोवा बेहद कूल पैलेस है जहाँ पर नाइट पार्टी, दारू वगैरह सब चलता है, लेकिन यहाँ के भी नियम है, आप टॉपलेस कपड़ों में नहीं घूम सकते। नंबर 1, दोस्तों गोवा में सबसे ज़्यादा लोग शराब पीने के लिए जाते, तो हम आपको बता देते हैं कि आप बीच पर शराब पीकर बोतलें फेंकना ये कानूनी अपराध है और आपको इसकी सज़ा मिल सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। थैंक यू।